हाई एवरीवन, सो आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरे हेयर कट के बारे में है। सो अभी आप देख सकते हैं मेरे हेयर अच्छी ग्रोथ है। सो मैं आज जो है अपना हेयर कट लेने जा रही हूँ गाइस। सो वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे वो मेरा हेयर कट करते हैं, और जो मेरा फाइनल हेयर कट होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ उसका वीडियो भी शेयर करूँगी। सो गाइस मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहे। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अभी मेकअप स्टूडियो, ये हुबली केशवपुर वाली ब्रांच है। मैं इस ब्रांच में फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैंने जस्ट स्टाइल पर इनकी काफ़ी अच्छी रेटिंग देखी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो आज जो मेरा हेयर कट है वो कासिम सर करने वाले हैं। उन्होंने सबसे पहले मेरे हेयर को शैम्पू की हेल्प से अच्छे से वॉश किया, उसके बाद में कंडीशनर अप्लाई किया, और इन्होंने बहुत अच्छे से मेरा हेयर वॉश किया। मतलब एक हेयर मसाज देते हुए इन्होंने मेरा हेयर वॉश किया था, तो बहुत ही रिलैक्स वाला फील हो रहा था। बाद उन्होंने मेरे बालों में एक बन बना दिया। देख सकते हैं मेरे हेयर की काफी अच्छी लेंथ है। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ अपना हेयर कट लेने के लिए। तो कासिम सर ने मेरा हेयर कट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने 4 पार्टीशन किए मेरे हेयर के। उन्होंने फ्रंट में एक पार्टीशन किया, उसके बाद में 2 साइड में पार्टीशन किए, और 2 पार्टीशन बैक साइड में किए। और सबसे पहले जो उन्होंने मेरी कटिंग स्टार्ट करी वो बैक साइड से स्टार्ट करी। के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, तो जितनी भी लेंथ आप उनको बताओगे एक्चुअल वो उतनी ही लेंथ में आपका हेयर कट करके देंगे, कोई छोटा नहीं रखेंगे। बहुत अच्छा हेयर कट किया उन्होंने। इसी के साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि मेकअप स्टूडियो के जो हेयर कटिंग चार्जेस हैं वो 500 हैं विथ हेयर वॉश और ब्लो ड्राइंग, और अगर आप कोई एडवांस हेयर कट लेते हो तो उनके चार्जेस जो हैं 700 हो जाते हैं, और अगर आप स्ट्रेटनिंग करवाते हो हेयर कट के साथ में तो चार्जेस और बढ़ जाते हैं। मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी ब्लो ड्राइंग हेयर वॉश और हेयर कट के साथ में, तो मेरे चार्जेस 1000 रुपीज़ थे। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आप जितना एडवांस लोगे उनके चार्जेस उतने इंक्रीज़ होते हैं। बैक साइड से हेयर कट करने के बाद में उन्होंने मेरे साइड से और फ्रंट से भी हेयर कट किया। तो इन्होंने मेरा हेयर कट तो कर दिया है, अब इसको थोड़ा फिनिशिंग देंगे। अब ये यूज़ कर रहे हैं ब्लो ड्राई और मेरे बालों को ड्राई करेंगे। के लिए भी इन्होंने मेरे हेयर का अगेन पार्टीशन करके बहुत अच्छे से क्लिप लगा के और ब्लो ड्राई किया, और ब्लो ड्राई के बाद ही बहुत अच्छी फिनिशिंग आप देख सकते हैं मेरे हेयर में। सो फाइनली मेरी ब्लो ड्राइंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो आप एक तरीके से मेरा हेयर कट देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। अभी ये सेमी फिनिशिंग इन्होंने दी है, और उसके बाद में अगेन इन्होंने पार्टीशन करके मेरे हेयर में हेयर आयनिंग करी, और स्ट्रेटनिंग के बाद बाल जो हैं और अच्छे लगने लग जाते हैं। एक्चुअली सर ने जो हेयर कट दिया है वो सेम मैंने उनको जो पिक्चर दिखाई थी वैसा ही हेयर कट किया है, और इस हेयर कट का एक एडवांटेज मुझे ये लगा कि मैं मिडल पार्टीशन भी कर सकती हूँ और साइड पार्टीशन भी कर सकती हूँ, दोनों मुझ पे अच्छे लगेंगे। और मैं आगे बैंग्स भी लेना चाहती थी, बट मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी क्योंकि मेरा ये हेयर कट ही इतना अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा अगर मैं बैंग्स लूँगी तो शायद मेरा हेयर कट बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो आप फाइनल लुक देख सकते हैं मेरा कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आप मुझे। सो गाइज ये रहा मेरा फाइनल हेयर कट, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। जैसे मैंने उनको बोला था उन्होंने वैसे ही मेरा हेयर कट किया है, काफ़ी अच्छा है, और मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ अपने हेयर कट से।
सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरा ये हेयर कट का वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज, बाय बाय।